स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम स्टूडेंट्स आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा वो होगा ऑडिट अंडर जीएसटी जीएसटी के अंदर ऑडिट के बारे में इससे पहले हमने पढ़ा कि असेसमेंट कैसे करते हैं टैक्स की जो भी हमारी टैक्स लाइब्रेट है उसको सेल्फ असेसमेंट किया जाता है या फिर अगर खुद से सेल्फ असेसमेंट नहीं होता तो हम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा टैक्स असेसमेंट करवाते हैं अब आगे बात आती है ऑडिटिंग की कि ऑडिट अंडर जीएसटी कैसे होगा उसको हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे ये हमारे इस चैप्टर की लास्ट वीडियो रहेगी स्टूडेंट तो चलिए स्टूडेंट करते हैं हम आज का टॉपिक ऑडिट अंडर जीएसटी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो चलिए स्टूडेंट आज का टॉपिक करते हैं ऑडिट अंडर जीएसटी GST is based इज़ बेस्ड ऑन सेल्फ असेसमेंट एंड ट्रस्ट बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम देखो सेल्फ असेसमेंट करते मान लो मैं टैक्स पे करती हूँ मेरा बिजनेस चल रहा है तो मैं सेल्फ असेसमेंट करूँगी अपने टैक्स की कितना टैक्स बनता है और उसको ट्रस्ट के बेस पर government को पे करूँगी ठीक है एक ट्रस्ट बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम है ये एज दिस सिस्टम रैलीज ऑन सेल्फ असेसमेंट जैसे ये सिस्टम सेल्फ असेसमेंट पे बेस है सो टू इंश्योर द कॉम्प्लाइंस विद द प्रोविजन ऑफ लॉ बाई टक्सेबल परसन इम्पॉर्टेंट रोल हैव बिन गिवन टू ऑडिट अंडर दिस सिस्टम तो जो कॉम्पलाइंस हैं उन उसको इंश्योर करने के लिए जो ला ला के प्रोविजन्स हैं बाई टक्सेबल परसन इम्पॉर्टेंट रोल हैव बिन गिवन टू यानी ऑडिट को बहुत इम्पॉटेंट रोल दिया गया है क्यों क्योंकि देखिए इसमें यहाँ पर सेल्फ असेस कर रहे हैं हम टैक्स को ठीक है तो हमने क्या पता सही अच्छा किया है या नहीं क्योंकि ये सिर्फ ट्रस्ट के बेस पे चल रहा है जीएसटी सिस्टम ठीक है तो जो हमने सेल्फ असेसमेंट करी है जो टैक्स की वो सही करी है या नहीं करी इसलिए जो ऑडिट ऑडिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो ऑडिट के अंदर पता चल जाएगा कि आपने गलती करी है या फिर आपने सही जो है टैक्स दिखाया है या नहीं दिखाया है असेसमेंट सही किया है या नहीं किया है ठीक है Audit the key audit section 2 section 13. Audit means the examination of records, returns, and other document maintained or furnished by the registered person under CGST Act or the rules made thereunder or under any other law for the time being in force to verify the correctness of टर्नओवर डिक्लेयर कि जो आपने टर्नओवर डिक्लेयर किया है वो सही है करेक्टनेस करेक्टनेस कितनी है है उसके अंदर वो सही है, या फिर जो आपने टैक्स पे किया है वो सही है जो आपको रिफंड क्लेम हुआ है वो सही है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल किया है वो सही किया है एंड टू एसेस हिज कॉम्प्लाइंस विद द प्रोविजन ऑफ सी एक्ट और द रूल्स मेड अंडर और जो कॉम्प्लाइंस है उसको एसेस करने के लिए आप क्या करेंगे ऑडिट करवाएंगे ठीक है तो ऑडिट किस लिए जाता है जो भी आपने रिकॉर्ड रखा है रिटर्न भरे हैं और जो अदर डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रखे हैं जो रजिस्टर्ड पर्सन ने वो उसकी करेक्टनेस को देखने के लिए ऑडिटिंग की जाती है ठीक है तो ऑडिट देखिए सेक्शन टू सब सेक्शन थर्टीन मीन्स ऑडिट मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड रिटर्न अदर डॉक्यूमेंटेन और फर्निश्डिड पर्सन और परपज ऑफ ऑडिट क्या होगा टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ टर्न ओवर डिक्लेयर जो आपने टर्न ओवर डिक्लेयर किया है जो आपने टैक्स पे किया है जो आपने रिफंड क्लेम किया है जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है वो सही किया है करेक्ट करेक्ट है वो या फिर आपने यहाँ पे फ्रॉड किया है मिसरीप्रजेंटेशन किया है और एस एस कॉम्प्लाइंस विद द प्रोविजन ऑफ सी जी एस टी जो भी आपने आ, प्रोविजंस हैं जीएसटी के उसको तरीके से यूज़ किया है या नहीं किया या फिर गलत यूज़ किया है उस प्रोविजंस का ठीक है तो देखिए टाइप्स ऑफ ऑडिट इन जी एस टी देर थ्री टाइप्स ऑफ ऑडिट विच आर एक्सप्लेन एज बिलो तीन टाइप के ऑडिट होते हैं जीएसटी के अंदर होता है मैंडेटरी ऑडिट मैंडेटरी ऑडिट तब होता है जब आपका जो टर्न ओवर है वो दो करोड़ से एक्सीड हो जाता है तो मैंडेटरी है आपको ऑडिट करवाना ही करवाना पड़ेगा मैंडेटरी ऑडिट दूसरा होता है ऑडिट बाई टैक्स अथॉरिटी और थर्ड होता है स्पेशल ऑडिट सेक्शन है थर्टी फाइव है स्पेशल ऑडिट होता है इफ वैल्यू हैज नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर्ड और द क्रेडिट अवेल्ड इज नॉट विद इन द नॉर्मल लिमिट देखियो जो अगर आपने जो वैल्यू डिक्लेयर करी थी वो प्रॉपर तरीके से करेक्ट नहीं है या फिर जो आपने क्रेडिट अवेल किया है वो नॉर्मल लिमिट्स में नहीं होगा तो आपके ऊपर स्पेशल ऑडिट बिठाई जाएगी ठीक तो है तो फर्स्ट है मैंडेटरी ऑडिट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज टर्न ओवर ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर एक्सिस टू करोड़ हैज टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड बाय ए चार्टेड अकाउंटेंट और ए कॉस्ट अकाउंटेंट एंड शेल सबमिट अ कॉपी ऑफ द ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स रिकॉन्सुलेशन स्टेटमेंट अंडर सब सेक्शन टू क्शन फोर्टी फोर एंड सच अदर डॉक्यूमेंट इन सच फॉर्म्स एंड मैनर एज मे बी देखो अगर आपका टर्न ओवर दो करोड़ से ज्यादा एक्सीड हो जाता है तो आपको अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ेगा मंड्री है ये चार्ट अकाउंटेंट से और कोस्ट अकाउंटेंट से और उसके उनसे बनाई हुई जो ऑडिटिंग एनुअल रिपोर्ट है वो आपको सबमिट करवानी पड़ेगी रिकाउंसुलेशन स्टेटमेंट है वो सबमिट करानी पड़ेगी ठीक है

ऐट सच फ्रिक्वेंसी एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब तो जो अगर ऑर्डर आएगा तो किसी रजिस्टर्ड पर्सन किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को वो चेक कर सकते हैं ऑडिट कर सकते हैं प्लेस ऑफ ऑडिट द ऑफिसर रेफर टू इन सेक्शन सिक्सटी सब सेक्शन वन में कंडक्ट ऑडिट एट द प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द रजिस्टर्ड परसन और इन देयर ऑफिस जो बिजनेस का जहाँ पर प्लेस है रजिस्टर्ड पर्सन का वहाँ पर भी कर सकते हैं ऑडिट और उनके ऑफिस में भी कर सकते हैं ठीक है थर्ड है नोटिस टू रजिस्टर्ड पर्सन द रजिस्टर्ड पर्सन शैल भी नॉट इन्फॉर्म बाई वे ऑफ नोटिस नॉट लेस दैन फिफ्टीन वर्किंग डेज पीरियड टू द कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन सच अ मैनर एज प्रेस्क्र अगर मान लो किसी रजिस्टर्ड पर्सन का ऑडिट करवा रही है टैक्स अथॉरिटीज़ के थ्रो गवर्नमेंट करवा रही है तो क्या होगा उनको पंद्रह मतलब जब ऑडिट होगा उससे पंद्रह दिन पहले उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा नोटिस के थ्रू ठीक है कि आपका जो ऑडिट है वो गवर्नमेंट की टैक्स अथॉरिटी के द्वारा कराया जा रहा है कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट द एक्सप्रेशन कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट शैल बी लेटर ऑफ द फॉलोइंग इनके बाद होगा डेट ऑन विच द रिकॉर्ड्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स कार्ल्ड फॉर बाय द टैक्स अथॉरिटीज आर मेड अवेलेबल बाय रजिस्टर्ड पर्सन जब रिकॉर्ड्स और अदर डॉक्यूमेंट हैं जो रजिस्टर्ड पर्सन ने अवेलेबल करवा दी हैं उसके बाद होगी ठीक है ऑडिट द एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ द ऑडिट एट प्लेस ऑफ द बिजनेस और जो एक्चुअल इंस्टीट्यूशन है ऑडिट का एट जब वो प्लेस ऑफ द बिजनेस पे होगा ठीक है अगर टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट टाइम लिमिट क्या होगी द ऑडिट शैल बी विद इन ए पीरियड ऑफ थ्री मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट यानी जब ऑडिट स्टार्ट होगी उसकी डेट से तीन मंथ के अंदर अंदर जो है ऑडिट खत्म हो जानी चाहिए बट इफ द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड द ऑडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट बी बीटेड विद इन थ्री मंथ्स ही मे फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग एक्सटेंड द पीरियड फाई ए फर्दर पीरियड फॉर नॉट एक्सीडिंग सिक्स मंथ तो अगर मान लो कमिश्नर ये yes, इस बात सेटिस्फाई होता है कि इस ऑडिटिंग को ती, तीन मंथ से ज्यादा ही लगेंगे तो फिर वो रिटर्न में रीजन दे के आप उस पीरियड को बढ़ा सकते हैं लेकिन सिक्स मंथ से ज्यादा तक के नहीं होनी चाहिए ऑडिटिंग ठीक है रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट दाइज ऑफिसर में रिक्वायर द रजिस्टर्ड पर्सन देखो ये जब जब ऑडिट होगा ना जो ऑथराइज ऑफिसर होगा उसका मे रिक्वायर द रजिस्टर्ड पर्सन टू तो अफोर्ड हिम द नेसेसरी फैसिलिटी टू तो वेरीफाई द बुक्स ऑफ अकाउंट कि उसको जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट को वेरीफाई करवाने के लिए जो भी नेसेसरी फैसिलिटीज़ होंगी उसको अफोर्ड करना पड़ेगा और अदर डॉक्यूमेंट्स एज मे भी रिक्वायर सारे डॉक्यूमेंट्स उसको प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन एज में ही मे रिक्वायर एंड रेंडर असिस्टेंट फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट और सारी इंफॉर्मेशन उसको फर्निश करवानी पड़ेगी जो उसको चाहिए और उसको असिस्टेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट ऑडिट को टाइम पर कंप्लीट करने के लिए ठीक है इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइंडिंग ऑफ ऑडिट ऑन कंक्लूजन ऑफ ऑडिट द प्रॉपर ऑफिसर शेल विद इन थर्टी डेज इन्फॉर्म द रजिस्टर्ड पर्सन हुज रिकॉर्ड्स आर ऑडिटेड अबाउट द फाइंडिंग्स हिज राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड द रीज़न्स फॉर सच फाइंडिंग्स देखो जब ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा और उसका कंक्लूजन निकलेगा तो जो प्रॉपर ऑफिसर है उसको तीन तीस दिन के अंदर अंदर रजिस्टर्ड पर्सन को क्या करना पड़ेगा इन्फॉर्म करना पड़ेगा जिसके रिकॉर्ड हमने ऑडिट करे हैं उसको उस जो उसने उसमें से फाइंडिंग आउट कंक्लूजन निकाला है वो उसको बताना पड़ेगा उसके राइट right बताने पड़ेंगे उसके ऑब्लिगेशन उसके उत्तरदायित्व क्या बन रहे हैं अब वो बताने पड़ेंगे उसको और उस फाइंडिंग जो भी उसने निकाला है उसका उसका रीजन क्या है भाई भी आ, उसने उसमें से कंक्लूजन निकाली है उसके क्या रीजन रहे हैं वो सब कुछ उसको बताना पड़ेगा ठीक है एट्थ है एक्शन फ्रॉम प्रॉपर ऑफिसर द प्रॉपर ऑफिसर में इनिशिएट एक्शन अंडर सेक्शन 73 और सेक्शन 74 वेयर द ऑडिट कंडक्टेड अंडर सेक्शन 65 फाइव सेक्शन वन रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड ठीक है तो वो क्या करेगा वो डिटेक्शन करेगा कि मतलब देखो जो उसने ऑडिट करी है उसमें जो, जो से टैक्स आपने नहीं पे करे हैं उसको डिटेक्ट करना ठीक है रिफंडेड यानी जो आपने रिफंड क्लेम किया है उसमें जो भी एरर है वो दिखाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड और जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट रोंगली ले लिया है अवेल करवा लिया है और यूटिलाइज कर लिया है उसके बारे में आपको बताया जाएगा ठीक है आगे आएगी स्पेशल ऑडिट दो ऑडिट कर ली हमने फर्स्ट ऑडिट थी मैंडेटरी जब आपका टर्न ओवर दो करोड़ से एक्सीड हो जाएगा तो आपको मैंडेटरी जो जो है uh, uh, जो है से आपको अपने अकाउंट्स है ऑडिट करवाने पड़ेंगे दूसरा होता है टैक्स अथॉरिटी यानी कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन पे हम टैक्स अथॉरिटी बिठा सकते हैं कि इसका अकाउंट हमें जो है ऑडिट करवाना है उसकी प्रोसेस हमने चेक कर ली ठीक है अब आते हैं थर्ड स्पेशल ऑडिट स्पेशल ऑडिट कब होता है देखो स्पेशल ऑडिट इज कंडक्टेड इन फॉलोइंग मैनर ऑडिट की कब किस किस सर्क्यमस्टांसिस में स्पेशल ऑडिट होगी इफ एट एनी स्टेज ऑफ स्क्रूटनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन और एनी अदर प्रोसीडिंग बिफोर हिम एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर मतलब कि असिस्टेंट कमिश्नर से बिलो का रैंक नहीं होना चाहिए नीचे का रैंक नहीं होना चाहिए हैविंग रिगार्ड टू द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस एंड द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू ओपिनियन दैट द वैल्यू हैज नॉट बिन देखो रेवेन्यू के इंटरेस्ट को बचाने के लिए अगर टैक्स पे किया था वो वैल्यू प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड नहीं करी तब जाके स्पेशल ऑडिट होगी ठीक है द क्रेडिट अवेल्ड इज नॉट विद इन द नॉर्मल और जो उस पर्सन ने क्रेडिट अवेल किया है वो नॉर्मल लिमिट में अवेल नहीं किया है तब उसके ऊपर स्पेशल ऑडिट बैठेगी ठीक है या तो उसने जो जो एसेसमेंट करी थी वैल्यू की टैक्स की वैल्यू की वो सही नहीं करी या फिर उसने जो क्रेडिट अवेल किया वो नॉर्मल लिमिट्स में नहीं किया ठीक है तो उसके ऊपर क्या बैठा जाएगा स्पेशल ऑडिट बैठेगी और उसके अकाउंट चेक किए जाएंगे ऑडिट किए जाए ऑडिट किए जाएंगे उसके अकाउंट और फिर उसमें जो भी गलतियां थी उसने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ज़्यादा अवेल कर लिया रिफंड ज्यादा क्लेम कर लिया या फिर उसने वैल्यू असेसमेंट सही नहीं करी टैक्स कम पे किया है वो सब कुछ वो निकाला जाएगा ठीक है ही मे विद द प्रियर अप्रूवल ऑफ़ द कमिश्नर डायरेक्ट सच रजिस्टर्ड पर्सन बाय कम्युनिकेशन इन राइटिंग टू गेट हिज रिकॉर्ड इंक्लूडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट एग्जामिन एंड ऑडिट फिर वो क्या कर सकते हैं उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है एग्जामिन की जाएगी और ऑडिट की जाएगी सेकेंड पर्सन टू कंडक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट एग्जामिड एंड ऑडिटेड बाई ए चार्ट अकाउंटेंट और बी नॉमिनेट बाई द कमिश्नर यानी कि स्पेशल ऑडिट जो है वो किसके थ्रू कराया जाएगा कमिश्नर के थ्रू कराया जाता है ठीक है और कमिश्नर एक ऐसे कमिश्नर के थ्रू जो चार्टेड अकाउंटेंट है और कॉस्ट अकाउंटेंट को है नॉमिनेट कर किया जाएगा ठीक है खुद से नहीं होगा कमिश्नर करेगा के अंदर अंदर बोला था ना तीस तीन महीने के अंदर अंदर जो है जो रिपोर्ट आ जानी चाहिए जो भी ऑडिटिंग की तो वो उस कमिश्नर को तीन नब्बे दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट कर देगा हाउर असिस्टेंट कमिश्नर में ऑन अपल्किशन मेड ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन और द अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर एनी मटीरियल एंड सफिशेंट रीज़न एक्सटेंड द स्टेट फॉर फरद पीरियड ऑफ नाइनटी यानी ये वही है कि अगर मान लो मैं आपको समझाती हूँ कि वैसे तो देखो अगर कोई ऑडिट ऑडिट आडि, कराया जाता है तो वो तीन महीने के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट देनी पड़ती है ठीक है लेकिन अगर कोई ऐसा वैलिड रीज़न है कि और टाइम लगेगा इसकी ऑडिट में तो एक वैलिड रीजन रिटर्न फॉर्म में दे के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वो क्या कर सकता है इस जो पीरियड को 90 दिन के लिए और बढ़ा सकता है यानी कि छह महीने तक का टाइम पीरियड ले सकते हैं इसके अंदर ठीक है वैसे तीन महीने का ही है अगर कोई वैलिड रीजन है तो वैलिड रीजन रिटर्न फॉर्म में देकर नब्बे दिन को और बढ़ा सकते हो आप ठीक है नब्बे दिन मीन तीन महीने और बढ़ा सकते हो तीन महीने पहले तीन महीने आगे छह मंथ तक का ही कर सकते हो सिर्फ ठीक है आगे है एक्शन फ्रॉम प्रॉपर ऑफिसर वे आर द स्पेशल ऑडिट कंडक्टेड रिजल्ट इन डिटेक्शन ऑफ टैक्स नॉट पेड टैक्स नहीं पे किया आपने या कम पे किया है शॉर्ट पेड किया है एरनेसली रिफंडेड मतलब रिफंड ज्यादा क्लेम कर लिया है आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल कर लिया है उसको यूटिलाइज कर लिया है द प्रॉपर ऑफिसर में इनिशिएट एक्शन अंडर सेक्शन सेवेंटी थ्री और सेवनटी फोर के अंडर आपके ऊपर कार्रवाई उठाई जाएगी ठीक है आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा तो ये हो गई हमारी ऑडिटिंग और जो है ऑडिटिंग तीन टाइप की होती है जीएसटी के अंदर एक होता है मैंडेटरी ऑडिटिंग ऑडिट और दूसरा होता है ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी और तीसरा होता है स्पेशल ऑडिट ठीक है तो मैंडेटरी ऑडिट होता है जब टर्नओवर आपका जो है दो करोड़ से एक्सीड हो जाता है और ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर हमेशा लग रहा है तो जो गवर्नमेंट है वो टैक्स अथॉरिटी के द्वारा उसके ऊपर ऑडिट करवा सकती है ठीक है और स्पेशल ऑडिट जब होगा कि जब अगर आपने जो वैल्यू डिक्लेयर करी है वो करेक्टली डिक्लेयर नहीं करी है या फिर जो आपने क्रेडिट अवेल किया है वो लिमिट से ऊपर कर लिया है तो आपके ऊपर स्पेशल ऑडिट बिठाई जाएगी ठीक है और स्पेशल ऑडिट में अगर करवाई जाएगी तो उसके ऊपर जो भी चार्टेड अकाउंटेंट लगेगा और कॉस्ट अकाउंटेंट लगेगा वो कमिश्नर के द्वारा नॉमिनेट होगा ठीक है तो आई होप स्टूडेंट आज की जो वीडियो थी टाइप्स ऑफ ऑडिट आपको समझ में आई होगी आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा आपको अच्छे से वीडियो प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई हो अगर स्टूडेंट अच्छी लगी हो वीडियो और आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो तो ज़्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनोचा मैम थैंक यू स्टूडेंट्स